तो गाइस पिछले 24 घंटों में आखिर WWE में क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। फाइनली रोमन रेंज ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को पीछे छोड़ दिया, आखिर किस मामले में आगे की वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेथ रॉलिंस को मिला बड़ा झटका, सेथ रॉलिंस को बैनर पोस्ट पर से ही हटा दिया गया है। और आखिर किस लिए, क्या बैड ब्लड लाइन इस बार प्रीमियम लाइव इवेंट ये होगा या फिर नहीं, आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फाइनली जिमी उसो की तरह से गुड न्यूज है, आखिर जिमी उसो कब रिटर्न करने वाले हैं और रिकी सी ने इनके बारे में क्या कहा। उसके बाद शील्ड एक बार फिर से यहाँ पर रीयूनाइट होने जा रहे हैं, रोमन का इस पर क्या रिएक्शन होता है आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस आज है 10 सितंबर, आज हम देखने वाले हैं कि अब तक की क्या न्यूज अपडेट और रूमर्स है WWE की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। इस बार के जो स्मैकडाउन का व्यूअरशिप है वो है 1.7 मिलियन व्यूअर्स, इसका रेटिंग है 0.45 रेटिंग स्टार। वैसे अगर बात करें स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, ये WWE का सेकेंड लोवेस्ट रिकॉर्ड है। तो गाइस फाइनली ये है टॉप 10 WWE का हाईएस्ट पेड रेसलर, जहां रोमन रेंज इस समय टॉप नंबर 1 पर है। रोमन रेंज 2024 के हाईएस्ट पेड रेसलर, इन्होंने यहां पर WWE की तरफ से साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो भी $15 मिलियन में। उसके बाद यहां पर कोडी रोड है और रैंडी ऑर्टन है, इन्होंने यहां पर $10 मिलियन में साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर उसके बाद यहां पर सेथ रॉलिन है, ड्रू मैकइंटायर है, सीएम पंक है, केविन ओवेन, फिन बैलर, जी उसो और रिया रिपली भी है। वैसे गाइस इस मामले में ब्रॉक लेसनर को भी पीछे छोड़ दिया है रोमन रेंज ने, क्योंकि गाइस पिछली बार जब ब्रॉक लेसनर ने अपना साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट किया था वो $12 मिलियन में किया था, अभी इस बार जो रोमन रेंज ने किया है वो $15 मिलियन में किया है। गाइस इसीलिए इस जनरेशन के रोमन रेंज नंबर 1 हाईएस्ट पेड रेसलर बन चुके हैं WWE की तरफ से। वैसे गाइस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से टॉप 10 रेसलरों में से आप किस रेसलर को हाईएस्ट पेड रेसलर देखकर अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट कोडी रोड जब से WWE में रिटर्न किए हैं, क्या आपको पता है केवल 4 ही रेसलर ऐसे हैं जो उनको अभी तक पिन किए हैं, और वो हैं ड्रू मैकइंटायर और द रॉक, उसके बाद सोलो सिका, उसके बाद रोमन रेंज भी है। उसके बाद नेक्स्ट, क्या आपको पता है यहाँ पर शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट होने जा रहा था, पर यहाँ पर रोमन ने इस पर साफ मना कर दिए। और गाइस इस समय यहाँ पर जो ड्रीन एब्रोस का सैलरी है वो है यहाँ पर $6 मिलियन, उसके बाद सेथ रॉलिंस का जो सैलरी है वो है $9 मिलियन, और यहाँ पर जो सैलरी है रोमन रेंज का वो है यहाँ पर $15 मिलियन। तो गाइस ये देखकर और सुनकर आपको साफ पता चल गया होगा कि यहाँ पर शील्ड में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेसलर इस समय रोमन रेंज ही है। उसके बाद नेक्स्ट, इस समय सेथ रॉलिंस को लेकर एक बैड न्यूज भी है। तो गाइस सेथ रॉलिंस जो की 4-time WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, इनको यहाँ पर ऑफिशियली बैनर पर से ही रिमूव कर दिया WWE ने ऑफिशियली। उसके बाद नेक्स्ट, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच, इनके बीच एक हेल इन अ सेल मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, और ये होगा यहाँ पर बैड ब्लड लाइन में। तो गाइस लास्ट टाइम जो हेल इन अ सेल मैच देखा गया था वो था WrestleMania 39 के पहले। उसके बाद गाइस नेक्स्ट, इस बार के जो स्मैकडाउन का यहाँ पर टिकट सोल्ड आउट हुआ है वो है 12,478। इस बार स्मैकडाउन होने के लिए इतना टिकट सोल्ड आउट हो चुका है अभी तक। वैसे गाइस इस बार का जो स्मैकडाउन होगा वो काफी लेंथी होगा, हो सकता है कि आपको 3 घंटे लगातार आपको देखने को मिले। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है WWE की तरफ से, जो रो पुल मैच है वो अपना WWE की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, आपको 1 या 2 इवेंट पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जिमी उसो की तरफ से एक गुड न्यूज है, जिमी उसो इस समय पूरी तरह से ऑफिशियली इंजर्ड से बाहर हो चुके हैं, इनका काफी जल्द ही रिटर्न होने वाला है। इस पर यहाँ पर रिकी सी के मानना है कि वो यहाँ पर इंजरी से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। उसके बाद गाइस आज का लास्ट अपडेट है रिक प्लेयर को लेकर। वैसे रिक प्लेयर ने आज के दिन अपना पहला डेब्यू किया था, वो भी 1991 में, और आज भी गाइस ये WWE के वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड में से एक माने जाते हैं। तो गाइस ये रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। वैसे इनमें से आपको कौन सा न्यूज अपडेट और रूमर्स अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।